लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा पवन सिंह की ये फिल्में भाई धमाल मचाने के लिए तैयार हो जाएंगी। जी हाँ, हम जिन फिल्मों की आज बात करेंगे फिल्मों की कहानी के हिसाब से भी और फिल्में इस तरह हैं आप देखने पे मजबूर हो जाएंगे। एक्शन से भरी हैं, इमोशन से भरी हैं और तो और कहा जा रहा है कि फिल्म के गाने भी बहुत बेहतरीन हैं। उनकी सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड मूवी में से भाई घातक है, जिसकी शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। फिर उनकी कैसन हो जाला प्यार, जिसकी शूटिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें वो काजल राघवानी के साथ नज़र आएंगे और घातक में वो शहर अफसा के साथ नज़र आएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, पवन सिंह की ऐसी कई मूवीज़ हैं जो अभी रिलीज़ होना बाकी हैं। वैसे पवन पुत्र जैसे ही रिलीज़ हुई थी, लॉकडाउन के चलते फिल्म को कहीं और दिखाया नहीं गया, सिर्फ बिहार में रिलीज़ हुई, लेकिन फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया। साथ आपको बता दें कि पवन सिंह की फिल्म कुछ अनटाइटल हैं, इसमें पवन सिंह का भरपूर देशभक्ति वाला अंदाज भी आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि 15 अगस्त और फिर दिवाली के मौके पर पवन सिंह की दो बहुत बड़ी फिल्में रिलीज़ होंगी। एक बॉस कहा जा रहा है कि जो 15 अगस्त पे रिलीज़ होगी और दूसरी मूवी है जो अनटाइटल है, लेकिन बताया जा रहा है कि फिल्म में भाई पवन सिंह के साथ कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस भी नज़र आ सकती है। यानी आप समझ सकते हैं कि इस बार जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा पवन सिंह धड़ाधड़ अपने फैंस को गुड न्यूज़ देंगे। धड़ाधड़ पवन सिंह अच्छी फिल्में देंगी और तो और हो सकता है पवन सिंह गुड न्यूज़ भी दे दे। खैर, आगे हम आपको बात करते हैं कि पवन सिंह के एल्बमों की। तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा पवन सिंह के दो हिंदी एल्बम्स आएंगे। जी हाँ, दो हिंदी गाने आएंगे, जिसे लेकर पवन सिंह ने पहले ही घोषणा कर दी थी। और तो और पवन सिंह ने ये भी कहा था कि सलमान खान के साथ हो सकता है कि वो कुछ अच्छे प्रोजेक्ट करें। यानी कि यहाँ ये संकेत देते भी नज़र आए कि हो सकता है बिग बॉस 14 या फिर सलमान खान के साथ कोई एल्बम या फिल्म में नज़र आ सकते हैं या किसी विज्ञापन में भी, मे भी कुछ भी हो सकता है। इसे पवन सिंह ने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है। सो आप समझ सकते हैं, जैसे ही लॉकडाउन हटेगा पवन सबसे बड़ा धमाका करने वाले हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।